इस्लाम का पवित्र महीना रमजान के आखिरी दिन ईद यानी ईद उल फितर के रूप में मनाया जाता है। यह मुस्लिमों का सबसे बड़ा और पवित्र त्यौहार माना जाता है। मोहब्बत और भाईचारे की मिसाल रहे इस त्यौहार की रौनक इस बार फीकी नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस नाम के शैतान ने पूरी दुनिया के लाखों लोगों की जान को मुश्किल में डाल रखा है। देश के प्रमुख मस्जिदों के इमाम लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और घर में नमाज पढ़ने की गुजारिश कर रहे थे। आज ईद के दिन जहां ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, वहां आज सन्नाटा पसरा रहा। सिवान के कंदवारा में जिला का सबसे बड़ा ईदगाह है, जहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने आते हैं। मेला सा नजारा होता है, आज वहां सन्नाटा पसरा रहा। लोग घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर और लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में नमाज पढ़ते नजर आए। लोगों ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के कारण जो देश में लॉकडाउन पीएम मोदी के द्वारा लगाया गया है, उसका पालन करते हुए हम सभी अपने घर में ही नमाज अदा कर रहे हैं, ताकि हम सभी देश के साथ खड़े होकर कोरोना महामारी को हरा सकें। कोरोना के हराने के लिए मोदी जी का पालन कर रहे हैं, जो लॉकडाउन उन्होंने कराया है, इसके लिए तरावी भी नहीं हुई, रमज़ान की मस्जिदें बंद हैं, घर में हम लोगों ने नमाज पढ़ी ईद की, देश के साथ हम लोग खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, कोरोना को हराना है, हरा के रहेंगे जी। इसलिए कर रहे हम लोग, ये कोरोना है और ये देश को मतलब बचाने के लिए हम लोग ये डिस्टेंस बना के नमाज हम लोग घर ही में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर साल हम ईदगाह में पढ़ते थे, इसी वजह से हम लोग आज घर में पढ़ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि आजकल जो हमारे देश और पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस COVID-19 से हम सारे लोग फाइट कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स एंड पुलिसमैन और हम सारे पब्लिक भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों से कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। जैसा कि जानते हैं कि रमज़ान भी चल रहा था, आज ईद भी है, जो कि बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन देखा जा रहा है कि ईदगाह में नमाज भी नहीं हुई, कहीं नमाज नहीं हुई, सारे लोग अपने घर में ही नमाज अदा कर रहे हैं, तरावी भी नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है कि हमें एक तरह से, जब सारे दुनिया वाले और हमारे नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं हम सबके साथ, तो जाहिर सी बात है आप सभी जो देशवासी हैं वो लोग भी कोऑपरेट करें और इन सब चीज़ों से जो कोरोना वायरस जैसे वायरस से फाइट करने की। ये कोरोना को जैसे पूरे देश में जो हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग जैसे नरेंद्र मोदी जी भी का भी कहना है, तो इसलिए हम लोग अलग अलग एक साथ नहीं के अलग अलग हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं डिस्टेंस बना के, ताकि कोरोना जल्द से जल्द ख़त्म हो।